की रिवायत डालकर अमन का नया रास्ता दिखाया। यह दुनिया का वाहिद इनकलाब था जो इंसान की लाशों पर नहीं बल्कि हुस्ने किरदार, ईमान और सच्चाई के असूलों पर कायम हुआ। बेशक इस्लाम प्यार, अखुवत और अमन का दीन है, ना कि जोर और जबरदस्ती का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 सालों में एक ऐसा बड़ा इनकलाब लेकर आए जिसने दुनिया की इमामत की, जिसके आगे दो आलमी कुव्वतें रोमन और पर्शियन एम्पायर ने जज्बाए ईमानी वाले के सामने घुटने टेक दिए। यह एक फिक्री और नजरियाती इनकलाब था जिसकी बदौलत मुसलमानों ने सियासी, अस्करी, माशरती और माशी कुव्वत बनकर अक्वाम आलम में इल्म और हिकमत, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सिक्का जमाया। इल्म, तहजीब और तमद्दुन सदियों तक अरूज पर रही, फिर वक्त ने करवट बदली। तालीमात नबी से दूरी और अखलाकी पस्ती ने गुलामी को हमारा मुकद्दर बना दिया। और अब जरूरत इस अमर की है कि हम अमली तौर पर आकाए दो जहां रिसालत मआब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों और अदल व इंसाफ, इंसानियत, सच्चाई, दयानतदारी और नेक किरदार से तर्ज जिंदगी अपनाएं। इसलिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद और किरदार सबको मुतहद करना और हम आहंगी पैदा करना है। दुनिया को इस्लाम की असल शक्ल दिखाना है। इस अथॉरिटी में दुनिया के नामवर स्कॉलर्स अपना किरदार अदा करेंगे। स्कूल्स के अंदर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब का मुसलसल जायजा लेना और रहनुमाई करना। मीडिया के जरिए माशरे की तर्ज जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाना। फिक्री और नजरियाती सोच को बेदार करना। इस्लामी तारीख और तालीमात पर मबनी फिल्मों, टेलीविजन ड्रामों के जरिए आगही। यूनिवर्सिटीज में तहकीक और मुबाहिसा। हकूमत की रब्बुल आलमीन स्कॉलर्स की मॉनिटरिंग। मेरिट पर मबनी ऑनलाइन सिस्टम। स्पेशल प्रोजेक्ट्स और सूफिया कराम की जिंदगियों और तालीमात से सीखना। नौजवानों को एक मुतबादल रास्ता बताना जो सिरातुल मुस्तकीम है, जिसकी बुनियाद और असास सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबक फिर पढ़।